मुंबई क्रिकेट टीम का कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स का बल्लेबाज पृथ्वी शॉ से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है। दिल्ली कैपिटल्स का ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ योयो टेस्ट में फेल हो गया है। योयो टेस्ट में फेल होने के कारण पृथ्वी शॉ इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल खेलेंगे या फिर नहीं, यह भी बीसीसीआई के अधिकारी ने साफ कर दिया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए में भारतीय खिलाड़ियों का टूर्नामेंट से पहले योयो टेस्ट हुआ था, जिसमें कि पृथ्वी शॉ फेल हो गए थे। पृथ्वी शॉ योयो टेस्ट में फेल हो गए थे, लेकिन वह इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल खेलते नजर आएंगे। बीसीसीआई द्वारा लागू किए जाने वाले योयो टेस्ट में मेंस कैटेगरी में आपको कम से कम 16.5 अंक की जरूरत होती है, लेकिन पृथ्वी शॉ ने 15 स्कोर किया जिस कारण से वह फेल हो गए। लेकिन बीसीसीआई के अधिकारी ने साफ कर दिया है कि वह अब आईपीएल खेल सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह अब आईपीएल क्यों खेल सकते हैं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ फिटनेस अपडेट है, जाहिर है यह पृथ्वी को आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने से नहीं रोकता है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ फिटनेस पैरामीटर है, ना कि ऑल एंड, जिससे कि किसी को खेलने से रोका जाए। उन्होंने लगातार 3 रणजी मैच खेले हैं। एक बार जब आप लगातार 3 प्रथम श्रेणी के खेल खेलते हैं तो थकान आपके योयो स्कोर को प्रभावित कर सकती है।